नमस्कार। आज फेसबुक लाइक के द्वारा आप लोगों के बीच आने का मुख्य कारण ये है कि कल थाना कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोधा जी की अगेंस्ट FIR करने का ऑर्डर पास किया है और उन्होंने थाने पुलिस स्टेशन को ये निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ चीटिंग का कंप्लेंट दर्ज किया जाए। और आप जानते कि ये जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष है मंगल प्रभात लोधा जी, ये एक लोधा डेवलपर नाम का कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और करीबन 5 साल से एक व्यक्ति है जिनका नाम दिलीप अहिरे है, ये मुंबई पुलिस में मुलुंड पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर करके रिटायर हुए हैं। इन्होंने अपना पूरी पूंजी लोधा डेवलपर के पास दिया था, फ्लैट बुक किया था, मगर जब फ्लैट का पोजीशन देने की बात आई तब लोधा डेवलपर ने उनसे पैसा ज़्यादा डिमांड किया, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया, कंप्लेंट्स किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर में इस पुलिस ऑफिसर को कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा और कल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष के अगेंस्ट FIR दर्ज किया जाए और जो भी कानूनी प्रक्रिया है ताकि ये पुलिस ऑफिसर को जस्टिस मिले उसको आगे बढ़ाया जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर पुलिस ऑफिसर से चीटिंग अगर कर सकते हैं तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा? और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अब आपका मुंबई अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, आपके मुंबई अध्यक्ष के खिलाफ चीटिंग का कंप्लेंट फाइल हो रहा है, अब आप मुझे ये बताइए और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को ये बताइए कि क्या आप मंगल प्रभात लोधा जी से मुंबई अध्यक्ष पद से राजीनामा लेंगे या आप लोग आपकी सरकार का पूरा मदद करके उनको इस केस में बचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।